बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ अपूर्वा। एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं आप बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही पावरफुल मंत्रा के बारे में। मैं मंत्रास के साथ काफ़ी काम करती हूँ, मैंने बहुत सारे मंत्रास को शेयर किया हुआ है इनफैक्ट, एंड काफ़ी से मंत्रास जो इंस्टेंटली भी काम करते हैं। अगर आप मंत्रास को फॉलो करते हो या अपनी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई मंत्रा को पिक भी इनफैक्ट करना चाहते हो, मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है मंत्रास के ऊपर, अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मंत्रास बहुत ही पावरफुल है एंड मंत्रास काम करते हैं अगर आप उन्हें प्रॉपर तरीके से डिवोशन के साथ चैंट करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के मंत्रा के बारे में। आज का मंत्रा जो है वो है रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहती हूँ जो कि मैंने काफ़ी लोगों को इनफैक्ट बताया भी है, अगर आप ये जो वीडियो है इनफैक्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड है, अगर आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, मैं सिंपली एक चीज़ बोलती हूँ, आंख बंद करके आप ग्रीन तारा मंत्रा चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। वो मंत्रा एक ऐसा मंत्रा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली विद टाइम यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहे हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जस्ट गो विद ग्रीन तारा मंत्रा, डेफिनेटली काम करता है। विदाउट एनी सिंगल थॉट आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के मंत्रा के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये जो मंत्रा है ये रिलेटेड है राधा कृष्ण जी से, जो कि कह सकते हैं आप सिंबल ऑफ लव भी उनको बोला गया है। तो सबसे पहला बेनिफिट है रिलेशनशिप को हील करना, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, उनको हील ये मंत्रा कर सकता है। एक चीज़ और, अगर आप चैंट नहीं करते हो, आप सिंपली इसको सुनते भी हो, आई एम श्योर आपको यूट्यूब पे ये मंत्रा डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप सिंपली इसको सुनते हो और अपनी विश को विजुलाइज भी करते हो तब भी आपकी जो विश है वो रियलिटी में आ जाएगी। बट एक चीज़ और, डेस्परेट नहीं होना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, डेस्परेशन के साथ, नेगेटिविटी के साथ चीज़ें कुछ काम नहीं करती हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वर्क ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होंगी। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको आपकी डिजायर देगा, अगर वो डिज़ायर आपके अंदर है मीन्स यूनिवर्स चाहता है आप उसे मैनिफेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी गॉड जो होता है वो आपके अंदर होता है एंड यूनिवर्स चाहता है, अगर वो डिजायर आपके अंदर पैदा हुई है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी है। तो आप थोड़ा सा टाइम लो, अपने आप को समझो, अंडरस्टैंड करो, उसकी चीजों को देखो कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। अगर वो डिजायर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी है देन डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको चांस दिया है कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है काफी लोगों के लिए, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपने इस चीज को करना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप सिंगल हो, आप चाहते हो आपके लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो, देन डेफिनेटली आप इस मंत्रा को यूज कर सकते हो। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप मैरिज मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इस मंत्रा के साथ काम कर सकते हो, या फिर कह सकते हैं अगर आपके मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं तब भी आप इस मंत्रा के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप अपनी लव लाइफ में और भी पैशन को इंक्रीज करना चाहते हो तब भी आप इस मंत्रा को यूज कर सकते हो। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप सोल मेट ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो तब भी आप इस मंत्रा को यूज कर सकते हो। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप साथ में इस मंत्रा के एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है, आप उस प्रेयर को भी 10 मिनट्स डेली कर सकते हो, या आपके रिलेशनशिप में जितने ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिलीज करने में आपकी हेल्प करेगी। तो डू ट्राई दिस विद पर्टिकुलर प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपने जो प्रेयर है 4 फेजेस की, कम से कम आपने इसको 5 से 10 मिनट्स कंटिन्यूसली बोलते रहना ही आपको बहुत हेल्प करेगी आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को हटाने में। साथ में आप इस मंत्रा को भी चैंट कर सकते हो। अगर बात करें मंत्रा की, मंत्रा क्या है, मंत्रा कुछ इस तरीके से है, राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे। ये बहुत सिंपल सा मंत्रा है बट ये बहुत ही पावरफुल है। अगर बात करें आप इस मंत्रा को कैसे कर सकते हैं, सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे। अगर आपका पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप इस मंत्रा की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत 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 हेल्प होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आप सिंपली इसको चैंट कर सकते हो, आप सिंपली इसको विद टाइमर 15 मिनट्स तक लगातार चैंट कर सकते हो। अगर आप 108 टाइम्स चैंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो तुलसी की माला पे इसको कर सकते हो। अगर फीमेल्स के मन में ये डाउट है कि पीरियड्स के टाइम हम तुलसी की माला को टच करें ना करें, अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हो देन डेफिनेटली आप उसे टच ना करें,
एंड पीरियड्स के डेज में आप इस मंत्रा को स्किप कर सकते हैं. जब आप ठीक हो जाएंगे आप इस मंत्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है. या फिर आप सिंपली माइंड चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर इस मंत्रा को सुन सकते हैं पीरियड्स के टाइम पे. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. अगर आप सिंपली सुनते सुनते अपनी विश को विजुलाइज करोगे, इस पर मेडिटेशन करोगे, तब भी आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ, ठीक है. आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो. अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एक चीज एडिशनल मैं अभी बोलना चाहती हूँ. जब आप सुबह सोकर उठते हैं, जहां भी आप सोते हैं वहीं पे आपकी वॉल होगी या कुछ भी ऐसा होगा, वहां आप राधा कृष्ण की मूर्ति रख दीजिए या फिर उनकी फोटोग्राफ लगा दीजिए, जिस पिक्चर में राधा एंड कृष्णा का रोमांस दिख रहा हो, ठीक है. आपने सुबह उठते ही पहले उसको देखना है एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कृष्णा बोलना है. उसके बाद एक और चीज आप कर सकते हो, डेली 21 टाइम्स आपने इस मंत्रा को अपने डायरी या जर्नल में लिखना है. काइंड ऑफ मंत्र जर्नलिंग हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है. ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत सिंपल सा है. आई एम आपने से सुना भी होगा, बट ये बहुत ही सिंपल सा है, पावरफुल है. बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप ट्रस्ट करते हो चीजों पे, मंत्रास पे, स्पिरिचुअलिटी पे, ऑकल्ट पे, ये चीजें तभी काम करती है. अदरवाइज अगर आप बहुत नेगेटिव हो, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ हीलिंग पे काम करो, चीजें अपने आप होंगी, ठीक है. सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.